एक स्कोर रेंज में आना पड़ेगा एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू डिसाइफर कि भाई मैं किस रेंज में लायक कर रहा हूं या मेरा कितना परसेंटाइल आएगा सो वेलकम टू दिस वीडियो वेयर वी विल बी डिस्कसिंग स्कोर वर्सेस परसेंटाइल और आई शुड से एट व्हाट व्हाट आर द कट कट ऑफ स्कोर्स एट व्हिच आई विल गेट वेरियस परसेंटाइल सो कमिंग टू दिस और डिसाइडिंग हाउ इट इज गोइंग टू हैपन we have to first analyze ki what were the trends initially isse pehle saalon mein kaise trends rahe hain aur unhi ko study karke hum aage kya justify kar sakte hain ki kitna score lana hoga so let's move to cat 2023 the recent cat happened last year जिसमें अगर मैं हंड्रेड percentile की बात करूं मतलब toppers की बात करूं तो you have to get 138.59 स्कोर 138 हम अज्यूम कर सकते हैं जो हमें लाना था फॉर गेटिंग हंड्रेड परसेंटाइल अगर ओवरऑल की बात करूं अगर मैं सेक्शन वाइज स्प्लिट करता हूं सो इन वर्बल यू हैव टू गेट 42 टू टू फोर्टी फोर मार्क्स विच मीन योर फोर्टीन टू फिफ्टीन क्वेश्चन शुड बी करेक्ट शुड बी एक्यूरेटली करेक्ट मतलब नेट फिफ्टीन क्वेश्चन या नेट फोर्टीन क्वेश्चन होने चाहिए थे

10 questions in di and 11 questions in qa will give me overall 100 percentile as well as section wise also i can aspire for 100 percentile so the net sum is 14 plus 11 is 25 plus 10 35 so at least 35 questions should be correct out of those 66 questions net 35 questions so 35 into 3 Karke मतलब ओवरऑल अगर मुझे चाहिए तो मुझे स्कोर भी कितना चाहिए 138 स्कोर चाहिए था जिससे मेरा नेट कितना हो जाएगा 100 गॉट इट ये सेक्शन वाइज है तो ये इंडिविजुअली नहीं किसी एक में तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हमें अचीव करना पड़ेगा तभी हमारा वन थर्टी एट आ पाएगा मतलब सबके ये इंडिविजुअल कट ऑफ है और ये ओवरऑल कट ऑफ है ओवरऑल कट ऑफ अब हंड्रेड परसेंटेज इज ओके बट Uh, I can settle for 99 .99 तो उसके लिए देखिए कितना drastic decrement हुआ है सीधे सीधे थर्टी सेवन मार्क्स का डिक्लाइन मतलब सीधे बारह क्वेश्चन का, का मार्जिन मतलब है तो जब हम आयर रेंज में जाते हैं तो पॉइंट्स में भी बहुत डिफरेंस आने लगते हैं एंड इसके लिए सेक्शन वाइज कुछ है नहीं क्योंकि ये आसपास ही होता है इसलिए आई हैव नॉट गिवन एनी इनपुट बट इट कम्स आ रही होगी तो आपको कितना चाहिए सीधा सेवेंटी सिक्स एट से ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट मार्क्स ऑफ टॉपर पे आपका नाइनटी नाइन आ जाता है सिक्सटी परसेंट मार्क्स ठीक है नेक्स्ट <coughs> VRC में ये ये ज्यादा डिक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ तो इंडिविजुअली सेक्शन वाइज नहीं होगा बहुत ज्यादा बट ओवरऑल में डिक्रीमेंट होगा क्योंकि ऑब्वियसली एक किसी सेक्शन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके ही मैं सॉल आया था तो ओवरऑल में डिक्रीमेंट बहुत शार्प है बट इंडिविजुअली अगर सेक्शन वाइज देखे तो उतना डिक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि ऐसे थोड़ना होगा कि पांच क्वेश्चन दस किए थे पांच किए तो भी नाइनटी आ रहा है ऐसा नहीं होने वाला फिर वो मार्जिन एक एक क्वेश्चन का रह जाता है अगर सेक्शन वाइज देखें तो तो VRC में ये ट्रेंड है डी में ये ट्रेंड है और QA में ये ट्रेंड है नाउ लेटेस्ट सी 98 पे सीधा 66 हो गया और तीन क्वेश्चन गलत हो गए मेरे 95 के लिए मुझे 56 स्कोर लेकर आना है फिफ्टी सिक्स मीन अप्रोक्सीमेटली नाइनटीन क्वेश्चन करेक्ट अप्रोक्सीमेटलीफ्टी 56 से थोड़ा सा ज्यादा तो 19 क्वेश्चन अगर करेक्ट है ओवरऑल तो मेरा 95. फाइव पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आ जाएगा नाउ वेन इट कम्स टू नाइन थ्री वो एटीन क्वेश्चन एक क्वेश्चन का डिफरेंस है और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे मार्जिन ऑफ परसेंटाइल विल इंक्रीज बट द स्कोर विल डिक्रीज यहां पे सिर्फ सेवन मार्क्स का डिफरेंस है तीन परसेंटाइल में यहां पांच परसेंटाइल में सिर्फ तीन मार्क्स का डिफरेंस है या तीन स्कोर का डिफरेंस है एंड यहां पे फाइव परसेंटाइल में सिर्फ एक स्कोर का डिफरेंस है तो जैसे जैसे नीचे आते हैं तो वो मार्जिन जो है कम होता जाता है मतलब अगर आपने 42 स्कोर किया है और 45 स्कोर किया है तो तीन नंबर एक्स्ट्रा आने से आप देखिए 80 से सीधा 90 पे जंप कर सकते हैं अगर 45 किया है। और 50 कर लिया तो आप 91. वन पॉइंट समथिंग पे जंप कर सकते हैं गॉट इट तो अगर और अगर सेक्शन वाइज देखा जाए तो बेयर मिनिमम फॉर एट्टी परसेंट हैव टू डू

अगर मैं कट ऑफ डिसाइड करता हूं कि मुझे इंडिविजुअल सेक्शन में एटलीस्ट नाइंटी फाइव नाइटी फाइव नाइटी फाइव लाने है, तो टेन क्वेश्चन करेक्ट नाउ यहां पे यू हैव टू डू सेवन क्वेश्चन करेक्ट सिक्स टू सेवन क्वेश्चन करेक्ट एंड इन चुए यू हैव टू टू डू अगेन सो दिस शुड बी योर टारगेट कि मैथ्स में कम से कम बट इट वॉज डिफिकल्ट एक्चुअली ये एट के बियॉन्ड रहता था मतलब ये टेन के आसपास रहता है

Has remained same that you will get 120 minutes and 40 minutes for each section, and the number of questions has also reduced to 24, 20, and 22 VA and uh, DILR and QA. So, here that for 2023, the cutoff was 140, in 2022, for 100 percentile, it was 145.

बट यू कैन से डिफिकल्ट मोस्ट सिचुएशन में भी यू हैव टू ऑप्टेन एटलीस्ट वन फोर्टी मार्क्स टू गेट योर हंड्रेड परसेंट आज एंड अगर मैं नाइनटी नाइन प्लस की बात करूं तो हेयर इट वॉज सेवेंटी सिक्स हेयर इट वॉज एट्टी थ्री हेयर इट वॉज नाइंटी सेवन तो उनको चलो इजी एज्यूम कर लेते हैं बट यू हैव टू ऑपटेन समवेयर अराउंड एट्टी

तो 95 के लिए 60 99 के लिए 80 और 100 के लिए 140 इतना मैं टारगेट कर सकता हूं एंड इफ आई हैव टू कीप मायसेल्फ अबव 85 तो 42 41 51 तो एप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन तो सही करने ही हैं 15 नेट मतलब ये नहीं कि 15 ही अटेम्प्ट किए पांच 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 उनमें से तीन, तीन 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 गलत है मतलब 15 नेट मतलब आपने 20 क्वेश्चंस किए उसमें से तीन गलत हो गए या चार गलत हो गए बाकी सब नेगेटिव में बैलेंस हो गए इफेक्टिवली आपके 15 सही है अगर 15 भी सही है देन आल्सो यू आर गेटिंग 85 गॉट इट और नॉट और फिर स्केल अप स्केल डाउन वो सारी चीजें भी होती हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए हम इस एनालिसिस के बेसिस पे ये रेंज रख सकते हैं कि अगर मुझे 100 परसेंटाइल टारगेट करने हैं तो आई हैव टू स्कोर अराउंड 140 135 के बियॉन्ड तो मुझे अटेम्प्ट मतलब मार्क्स मेरे आने ही चाहिए और अगर मुझे 135 के बियॉन्ड चाहिए तो मेरे 45 क्वेश्चंस करेक्ट है अगर 100 परसेंट आई की बात कर अगर मैं 99 की बात कर रहा हूं तो मेरा स्कोर 100 या 110 के आसपास होना चाहिए 99.99 की बात कर रहा हूं 99 की बात कर रहा हूं तो मेरा स्कोर 80 के आसपास भी होगा तो भी चलेगा मतलब ट्वेंटी क्वेश्चन करेक्ट

45 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए ठीक है इसके बियॉन्ड अब मैं आ जाता हूं 95 पे तो 95 के लिए यहां पे देखो इट इज 19 क्वेश्चंस दिस इज आल्सो नियर बाय 19 क्वेश्चंस दिस इज बियॉन्ड मतलब अराउंड 24 क्वेश्चंस सो लेट अस कीप 19 24 चलो एवरेज ले लेते हैं कि अगर मैं 95 प्लस टारगेट कर रहा हूं 95 प्लस टारगेट कर रहा हूं तो मेरे कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए 21 प्लस करेक्ट होने चाहिए मतलब 21 तो सही है उससे ज्यादा भी सही होने चाहिए ओवरऑल ठीक है नाउ इफ वी गो टू 90 तो 90 के लिए यहां पे 15 16 और यहां पे 20 है तो 15 16 20 अगर मैं एवरेज लेके चलू तो मुझे 90 प्लस के लिए कम से कम 18 प्लस क्वेश्चन करने होंगे क्लियर है एंड 85 के लिए वही 14 17 के आसपास है तो 85 के लिए मुझे 15 प्लस क्वेश्चन करने होंगे आई एम कंसिडरिंग कि कैट वापस क्वांट उसी लेवल का आ गया तो जैसे पहले आता था, था इस साल को छोड़ दो तो ये हमारे टारगेट रेंजेस होने चाहिए अगर पेपर डिफिकल्ट है तो ऑब्वियसली एक दो नंबर एक दो क्वेश्चन का फ्लक्चुएशन हो सकता है तो अप्रोक्सिमेटली ये रहने वाला है कीपिंग इन माइंड की इसी तरीके का ट्रेंड रहेगा इसी तरीके का एग्जाम पैटर्न रहेगा और डिफिकल्टी लेवल भी इसी तरीके का रहेगा कि वो बैलेंस आउट करेगा कौन डिफिकल्ट है तो वर्बल इजी है वर्बल डिफिकल्ट है तो डीआईएलआर इजी है हालांकि डीआईएलआर हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रेंज में ही लाए कर रही है कई सालों से तीन चार साल से ही अगर मैं देख लू तो तो इस तरीके से कर आपको टारगेट करना है और अगर मुझे 80 एंड अब अगर टारगेट करना है तो मैं क्वेश्चन रेंज यहाँ पे 15 है 15 है ये 12 है और यहाँ पे देखो इंक्रीज हो गई तो मैं बोल सकता हूं कि 80 प्लस के लिए मुझे 13 प्लस क्वेश्चन टारगेट करने होंगे तो 80 के लिए 13 85 के लिए 15 90 के लिए 18, 90 और 83 याद रह सकते हैं 3 5 इज 90 तो 90 परसेंटाइल के लिए मुझे 18 क्वेश्चन सही करने हैं 95 के लिए मुझे 21 क्वेश्चन सही करने हैं 100 के लिए 45 और 99 प्लस के लिए मुझे 30 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो मेरा 99 प्लस कुछ परसेंटाइल आ जाएगा गॉट इट सो दिस इज वी कॉल एज कट ऑफ हर एक का कट ऑफ अगर सेक्शन वाइज देखा जाए तो वो 80 85 के आसपास लाइक करता है अगर वेरी टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो हर एक सेक्शन में हमने जैसे पिछली स्लाइड पे देखा था हर एक सेक्शन में हम ट्रैक रख सकते हैं कि कम से कम सात क्वेश्चन आठ क्वेश्चन हर एक सेक्शन में सही हो ताकि मेरा इंडिविजुअल कट ऑफ भी कहीं पे बैरिकेड uh, ना बन जाए कहीं बैरियर ना बन जाए कि मैं अगले पे नहीं मूव कर पा रहा लेटेस्ट एनालाइज दी ट्रेंड्स की 99 प्लस के लिए क्या ट्रेंड्स है 23 में 76 प्लस स्कोर लाना था वही 25 26 मैंने 27 प्लस बोला नेक्स्ट 83 83 इज थ्री दैट इज अगेन 27 के ही आस पास ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री यहाँ पे थोड़ा ज्यादा था पेपर इजी रहा होगा तो मैं 27 प्लस एटलीस्ट इन सबको अगर कंसीडर करूं तो एवरेज मेरा 27 प्लस आता है तो अगर हर एक साल का ट्रेंड एनालाइज करूं एंड आई इफ आई हैव टू फॉल इन दिस रेंज माय रेंज शुड बी 27 प्लस 27 क्वेश्चंस सही होने चाहिए नेट 27 क्वेश्चन अब यहां तक पहुंचेंगे कैसे बहुत ही सिंपल से तीन चीजें हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे रोज रेगुलर स्टडी चाहे दो घंटे चाहे चार घंटे चाहे छह घंटे बट रोज ऐसा नहीं आज दस घंटे कल एक घंटे ऐसा नहीं होना चाहिए तो एक तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे एनालाइजिंग मॉक्स मॉक्स सिर्फ में ही नहीं होंगे उनको एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है गलत क्या था सही क्या था क्यों सही था क्यों गलत था सब कुछ एनालाइज करेंगे उनको दोबारा सॉल्व करेंगे एंड बीइंग फ्रेंडली विद द मॉक्स और बीइंग फ्रेंडली विथ योर एग्जामिनेशन बाय अपियरिंग बाय रिहर्सिंग द मॉक्स अगेन एंड अगेन विथ योर टाइम फ्रेम